जियो सिम को लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है। जियो के न्यू ईयर ऑफर के चलते कंपनी ने पुराने और नए उपभोक्ताओं को जियो की फ्री कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। रिलायंस कंपनी ने जियो का वेलकम ऑफर 5 सितंबर को लॉन्च किया था, जिसे 31 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जियो के वेलकम ऑफर को हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में बदलने का ऐलान किया। अब 4 दिसंबर 2016 से सभी जियो यूजर्स को एक बार फिर से डेटा, वॉइस और सभी जियो ऐप्स की एक्टिवेशन 31 मार्च 2017 तक फ्री मिलेगी। इसके साथ ही मौजूदा 50 मिलियन ग्राहकों को ऑटोमेटिक नए ऑफर में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें नया सिम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब पहले की तरह हर दिन 4 GB डेटा नहीं मिलेगा, बल्कि 1 GB डेटा से ही लोगों को संतोष करना होगा। कंपनी ने ग्राहकों की सहूलियत को देखते हुए जल्द ही जियो सिम की होम डिलीवरी शुरू करने का भी ऐलान किया है। हालांकि इस बीच कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर मुकेश अंबानी ने बताया कि अन्य कंपनियों का सहयोग नहीं मिलने से कॉल ड्रॉप हुई है, लेकिन जल्द ही नेटवर्क की सेवाएं बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल मुकेश अंबानी ने जियो के 5 करोड़ उपभोक्ताओं के होने का दावा किया, तो वहीं जियो पर विश्वास करने के लिए ग्राहकों और सरकार का शुक्रिया अदा भी किया है। वहीं नोटबंदी के फैसले को लेकर मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के फैसले से डिजिटल कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो जियो के न्यू ईयर ऑफर ने दूरसंचार जगत में तहलका मचा दिया है, और इसी के साथ ही उपभोक्ता अब 31 मार्च 2017 तक जियो की सभी सेवाएं मुफ्त में ले पाएंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।